अभी मुझे एक भाई साहब ने कहा एनआरसी, अरे आप भूल जाइए एनआरसी की, एनआरसी ये तेलंगाना में आने वाला नहीं है, ये भूल जाइए टोटली, ये सोच भी नहीं सकते। हाँ हम लोग पार्लियामेंट में इसकी मुखालिफत करे यकीनन, हम हिंदू भाइयों की बहुत इज्जत करते हैं। मैं तो परसों जो है दो दिन पहले हमारे सेंट्रल मिनिस्टर साहब आए थे, माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब मुख्तार अब्बास साहब, मैं दवाखाने में इत्तेफाक से मुझे तीन दिन पहले बहुत बुखार आ गया था, दवाखाने में शरीक था, फिर भी वो दिल्ली से आए थे प्रोग्राम के लिए, प्रोग्राम का नाम था हाथ और हुनर, तो हमें हुनर की जरूरत है। मैं इस प्रोग्राम में अटेंड किया, उनसे बात भी किया, मैं बोला सारे दुनिया में ये पाकिस्तान बांग्लादेश छोड़ दो, जहां पर भी कोई हिंदू भाई पे जुल्म हो रहा जरूर हमें बुला के निशानी दे दीजिए, जहां पर भी किसी पे जुल्म हो रहा, क्योंकि हिंदुस्तान नहीं बराबर बुलाइए उनको नेशन, पर ये आए तो लोगों को ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ जो लोग बरसों से है, जिसके पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट कोई नहीं रखते, कौन रखते बर्थ सर्टिफिकेट बताइए, कौन सर्टिफिकेट रखते, ये इससे क्या होगा, गैर जरूरी की इंतजार फैलेगा, हमारी तरक्की रुक जाएगी, आपस में इख्तलाफात डालने के चाल है। हमारे पास तो कभी भी आपसे मैं वायदा कर रहा हूँ कोई एनआरसी की एनआरसी का सोच भी मत दीजिए, इंशाल्लाह हम सुकून से रहेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा हमारे पास।